बाबा साहब अमर हैं, बाबा साहब, बाबा साहब। आज डॉक्टर भीमराव बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन बखूबी बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर किया है। उनके आयोजक भाई मनोज गौतम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में बैठे भाई आचार्य धर्म प्रकाश जी, आपने बाबा साहब के बारे में जो जानकारियाँ दी हैं, जिस प्रकार उनके जीवन काल में संघर्ष करते हुए पूरे भारतवर्ष को ही नहीं, शायद मैं समझता हूँ उनकी शिक्षा का अनुसरण, उनके कार्यों का अनुसरण पूरे विश्व में इसलिए है क्योंकि हमारे देश का इतना बड़ा संविधान, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान जो है, भारत में उसका निर्माण हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। आज उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से जो लिखा गया है वो कोई मिटा नहीं सकता। और हमारे बीच में यहाँ पर हमारे साथ बैठे भाई जिला पंचायत सदस्य विवेक सिंह जी, और हमारे साथ आए भाई सुजन सिंह, बिक्की सिंह जी, यहाँ पर मौजूद रामदयाल भगवान दास जी, रामचरण लाल जी, सेवाराम जी, केवल राम जी, अनिल कुमार गौतम जी, बाराम निवास गौतम जी, और हमारे बीच पर मंच पर भाई सुजन सिंह और पंडित चौनायक नाथ जी, व हमारे बीच में बैठे भगवती सिंह जी, और मंच पर बैठे भाई ललित जी, अमित मिश्रा जी, और सामने बैठे हुए सभी आज इस प्रोग्राम में जो उपस्थित हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्गों और भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज के नहीं थे, क्योंकि जब भी इस धरती पर संघर्ष के माध्यम से हो या जैसे ही दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पण करते हैं, उनके अंदर एक अलौकिक ताकत होती है, अलौकिक शक्ति होती है, वो किसी से डरते नहीं, किसी से झुकते नहीं, और जब भी कोई कार्य करते हैं वो कार्य पूरे संसार के लिए, समाज के लिए आज प्रेरणा का स्रोत बनता है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हुए, आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में कितनी अड़चनें लगाई, दूर बैठाला गया, पानी तक नहीं पीने दिया, लेकिन कोई और होता शायद ही वहाँ से चला गया होता, या फिर उस समाज से दूर हटके उसका महत्व नहीं रहा होगा। लेकिन हमारे बीच में आज जो परिनिर्वाण दिवस के माध्यम से हम उनको याद करते हैं, यानी उनका जन्म जो हुआ, एक कहानी याद आती है, महात्मा बुद्ध बैठे थे, एक राजा आए मिलने, एक वैद्य उच्च खड़े हुए, बहुत उम्र थी उनकी, उम्र होने के बाद राजा ने पूछा आपकी क्या उम्र है, अचानक उन पर दृष्टि पड़ी, तो उन्होंने कहा मेरी उम्र अब 21 साल की है। राजा हैरान हो गया, बोले इनकी उम्र तो 70 साल है, इनकी 21 साल कैसे है। महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया और उस भिक्षु ने जवाब दिया, जब मैं महात्मा बुद्ध की शरण में आया, जब मैंने अपने जीवन का सार देखा, अपने जीवन के महत्व को समझा, इससे पहले मैंने जो दिया हुआ जन्म था वो जन्म मानवता का मैंने नहीं जानकारी कर पाई कि मानव क्या है,
आज मुझे नया जन्म मिला है, पुनर्निर्माण मेरा आज हुआ है। उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का आज पुनर्निर्माण दिवस हम मनाते हैं। उन्होंने जब संविधान की रचना करते हुए वहां पर जब तय हुआ कमेटी के माध्यम से, तो उन्होंने एक प्रश्न आया वहां पर कि वोट हम किसको अधिकार होगा जो वोट देंगे, तो वहां पर चर्चा होने लगी पूंजीपतियों का अधिकार दिया जाए वोट देने का, या बड़े लोग हैं जो शिक्षित लोग हैं उनको अधिकार दिया जाए, या जो सरकारी नौकरी में अधिकारी हैं उनको इस भारत के निर्माण के लिए वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो उस पर बहस चलती रही, तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वोट का अधिकार गरीब से लेकर अमीर तक होगा, सबकी कीमत एक होगी। आज चाहे कोई समाज हो, हर समाज को वोट का अधिकार देने का कार्य डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। ये कोई माने या ना माने नहीं, आज हम लोग वंचित रहते और ये भारत फिर गुलाम हो गया होता। भारतवर्ष में जितने आताताई आए मुगल शासन से लेकर अंग्रेजी शासन तक, उन्होंने बंटवारा करके जातियों में मानवता का हनन किया और उस मानव मानव को लड़ाने का जो कार्य किया है, जिस पर देश पर जिस प्रकार उन्होंने शासन किया, उस शासन का अंत करने के लिए हमारे भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना की। उस संविधान के माध्यम से बराबरी का दर्जा जो दिया है, और आरक्षण के माध्यम से जिस प्रकार लोगों को उठाने का और लोकसभा से विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का कार्य किया है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। क्योंकि आज विधायक के रूप में यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की देन है, जो आरक्षण के माध्यम से हर जाति धर्म को बराबर का जो हिस्से दूसरे लोग पहचान बता देंगे पीपल है। हम लोगों के बीच में अगर किसी नहीं पहचाना नहीं देगा तो हम लोगों के बीच इतने लोग बैठे हैं, कोई नहीं बता पाएगा इसमें ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, नहीं बता पाएगा। इसलिए मनुष्य में जाति नहीं होती है, जातियाँ पेड़ पौधे में होती हैं, पीपल और आम को देख कर पहचान लोगे, ये वृक्षों की जातियाँ हैं। इसी तरह से आप पहचान लेंगे पशुओं में, ये घोड़ा है, गधे की जाति है, ये भैंसा है, ये बैल है, गाय है, देख कर पहचाना जा सकता, क्योंकि मनुष्य में कोई देख कर पहचान नहीं सकता है ये ब्राह्मण है या वाल्मीकि है, नहीं पहचाना जा सकता है। इसी तरह से आप देख लीजिए कीड़े मकोड़ों में जातियाँ होती हैं, सांप है, चूहा है, छिपकली है, देख पहचान लोगे छिपकली है, देख के बता दोगे सांप है, लेकिन मनुष्यों को देख कर नहीं पहचान सकते हो कि ये किस बिरादरी का है, क्योंकि मनुष्य में कोई बिरादरी होती ही नहीं है। मनुष्य सिर्फ मनुष्य है, इंसान है, इंसान तो इंसान है, इसमें कोई जाति नहीं। अगर इनमें भेदभाव करते हो तो बहुत बड़ा पाप करते हो, इसलिए कोई भी बिरादरी का आदमी हो, किसी समाज का, सबका सम्मान करो और सबके साथ रहो, सबको मिलाकर रहो और सबको इकट्ठे करके रहो, किसी का अपमान कभी मत करना, समाज में सभी मनुष्य बराबर हैं। तो बाबा साहब का निर्वाण दिवस है, बाबा साहब को शांति जब ही मिलेगी जो उनके अनुसार आचरण करोगे, आप इधर उधर भागोगे, दुनिया भर के जितने भगवान जिंदा घूम रहे, कुछ मर गए उनके पीछे घूमने को कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा यहीं से, इनने जो रास्ता बताया इसी से मिलेगा, वरना कोई आप ना कभी दिया ना आगे देगा और ना दिया है, दिया है तो सिर्फ बाबा साहब ने। इसलिए बाबा साहब को याद रखो और इसी के अनुसार आचरण करो और इन्हीं के आचरण के अनुसार आगे बढ़ो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।